सर, हमारा बॉडी पे डंडे का टैटू बनाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपको जो बताएंगा सब सच बताएंगा, सच के अलावा और कुछ नहीं बताएंगा। ओके। यस, ये टैटू मैंने ही बनाया है, ये मेरा ओरिजिनल डिजाइन है, ये टैटू मैंने एक वीक पहले ही बनाया है। आर यू श्योर? 100%। अच्छा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये टैटू तुमने ही बनाया है? एक्सक्यूज मी सर, पूरा टैटू इंडस्ट्री में आप किसी से भी पूछ सकते हैं, टैटू किंग एंड क्वीन कभी किसी का टैटू कॉपी नहीं करते। जैसे लोग अपना हैंडराइटिंग पहचान लेता है, वैसे एक टैटू आर्टिस्ट अपना खुद का डिजाइन पहचान ही लेता है। सर, मैं खुद का डिजाइन भी कॉपी नहीं करता। आई बिलीव इन OTOOD। मतलब मेरे को क्या मालूम? अरे साइन ईस्ट का नहीं मालूम है आपको? साइन ईस्ट? यू आर सेइंग साइन ईस्ट? मेरा एक अच्छा वाला दोस्त भी रहता है उधर। साइन ईस्ट में एग्जैक्टली किधर सर? अरे नहीं नहीं, मैं साइन ईस्ट में नहीं रहता हूँ। लेकिन सर ने बोला ना अभी साइन ईस्ट। अरे उसका क्या डर है? नहीं नहीं नहीं, क्या है, सर का कहना कुछ और था। मैं क्या पूछ रहा है कि ये OTOOD का क्या मतलब होता है? इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वन टाइम वन डिजाइन ओनली। इसका मतलब ये कि मैंने जो एक बार डिजाइन कर दिया वो मैं रिपीट नहीं करता। मैन, कितने लोग आके मुझे बोलते हैं कि आपका वो डिजाइन बहुत अच्छा लगा, हमको बना के दो मैन प्लीज। और मैं उनको बोलता हूँ माय पॉलिसी OTOOD मैन। सरस, तो ये वन टाइम डिजाइन आपने किसके बॉडी पे बनाया है? सॉरी सर, यहाँ इतना लोग टैटू बना के जाता है कि सबका फेस याद रखना इम्पॉसिबल। तो इधर दुकान में CCTV फुटेज नहीं लगाया? What? सॉरी, CCTV कैमरा। सॉरी सर, PP। नहीं नहीं, अभी नहीं, पूछताछ पूरा होने के बाद जाना। किधर? बोले ना पीपी। अरे सर, पीपी मतलब वो नहीं, पीपी मतलब प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी 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 पॉलिसी पॉलिसी पॉलिसी। आई टेक इट वेरी सीरियसली सीरियसली सीरियसली। मतलब? इसका मतलब ये कि कोई भी कस्टमर का प्राइवेसी सेफगार्ड रखने के लिए CCTV कैमरा शॉप में नहीं लगाया है सर। अभी कैसे मालूम पड़ेगा कि ये टैटू कितने बनवाया है? एक्चुअली सर, इधर जो भी कस्टमर आता है ना, उसका मैं फॉर्म पे साइन लेता है कि मेरा बनाया हुआ टैटू की वजह से, जस्ट इन केस अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ, देन दैट इज नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी। और वो फॉर्म पे उनका नेम, नंबर एंड एड्रेस लिखना कंपलसरी है। तो इफ यू वांट, मैं आपको उनका नेम, नंबर एंड एड्रेस वो डेफिनेटली दे सकते हैं मैन। हाँ तो लाओ लाओ लाओ। ओहो, ये तो पूरा फॉर्म इंग्लिश में है। होल्डर देखो क्या लिखा है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग टुमारा। जिसमें नाम है तो बबन लिखा है, लेकिन एड्रेस में सिर्फ मुंबई लिखा है। हाँ, मोबाइल नंबर पूरा लिखा है। हाँ तो ये पूरा फॉर्म का फोटो खींचो, फोटो खींचो, फटाफट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट हो गया। ओके थैंक यू। जडलाल, एक प्रॉब्लम हो सकता है। क्या? ये मोबाइल नंबर गलत निकला तो? एक काम करते हैं, बाहर जाते हैं और अपने गोकुलधाम वासियों से सलाह मशवरा करते हैं। करेक्ट। ओके थैंक यू। ओके चलो हवलदार, चलो चलो। पता नहीं जेठालाल अय्यर को उस डिलीवरी बॉय के बारे में कुछ पता चला होगा या नहीं। क्या चल रहा होगा अंदर? ओ यारो, इच्छ किड़ी वटी गल है, वो फोन करके पूछ लेता हूँ। नहीं सुदीप, पता नहीं किस सिचुएशन में होंगे, ऐसे कॉल करना ठीक नहीं है। सही बात है, हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। क्या हुआ जेठालाल, कुछ पता चला? वो डिलीवरी बॉय आया था इधर टैटू बनवाने। हाँ आया था। अरे उसने मुझे पूछा ना यार भाई, तो मैं जवाब दूंगा ना।
और वैसे भी आप हवलदार है, मैं इंस्पेक्टर हूँ, सीनियर हूँ, उतना तो यार थोड़ा इज्जत रखो, थोड़ा मान रखो यार। सॉरी आया था। अच्छा कौन है वो, क्या नाम है उसका, कहाँ रहता है? वो कहाँ रहता है वो तो हमें नहीं पता बेटा, लेकिन उसका हमें नाम और नंबर मिला है। उसका नाम है बब्बन और उसका मोबाइल नंबर किया देख, किया देख। मेरे को ऐसे क्या देख रहा है, अभी नंबर मेरे पास है तो मैं ही दिखाएगा ना। ओ यारो, कोई नाम मिल गया, अपना कम हो गया। ओए नाम से मेरा गोगी पुत्र सोशल मीडिया से उसका सारा डिटेल निकाल लेगा। क्यों पुत्र? लेकिन पूरा नाम नहीं पता है ना पापा, पता नहीं सोशल मीडिया में कितने लोग बब्बन नाम से होंगे। और हमारा वाला बब्बन कौन सा होगा ये पता लगाने में बहुत टाइम जाएगा। मैं क्या बोलता हूँ, हमको नंबर तो मिल गया, इस नंबर को हम पुलिस को दे देते हैं, वो लोग छानबीन करके उसको पकड़ लेंगे। अरे नहीं नहीं अय्यर भाई, ये नंबर हम पुलिस को नहीं दे सकते। अगर हमने पुलिस को ये नंबर दिया और पुलिस से पूछ लिया कि आपके पास ये नंबर कहाँ से आया, तो हम क्या कहेंगे कि आप और जेठालाल नकली पुलिस बनकर टैटू वाले के पास गए थे और उसे धमका कर ये नंबर आपने लिया। नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते चालू जी पांडे जी को, वरना वो डिलीवरी बॉय को छोड़ के हमको अंदर कर देंगे भाई। हाँ पापा सही कह रहे हैं, हमें पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए, हम ही इस नंबर से उस डिलीवरी बॉय का पता लगाते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये नंबर उसी डिलीवरी बॉय का है कि नहीं। हो सकता है कि उसने टैटू वाले को किसी और का नंबर दिया हो। तो अब क्या करें, कैसे पकड़े उस डिलीवरी बॉय को? ओ यारो हाथ कंगन को आरसी क्या, हमारे पास उसका नंबर है, वो उसी को फोन करके पूछ लेते हैं क्या कि भाई ये नंबर तेरा है कि नहीं। नहीं नहीं, नहीं पप्पू ऐसे नहीं, वो हम उसको फोन डायल करते हैं, वो फोन उठाएगा तो हम उसको पूछेंगे वो तुसी बब्बन बोल रहे हो, वो हाँ बोलेगा तो हम उसे एड्रेस पूछ लेंगे और एड्रेस पे जाके उसे धर लेंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम उसे फोन करोगे उसे एड्रेस मांगोगे तो वो तुम्हें एड्रेस दे देगा? अरे अगर उसे जरा भी शक हो गया ना तो वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देगा और उसके बाद उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। अगर उस डिलीवरी बॉय का नंबर करेक्ट है तो उस डिलीवरी बॉय को पकड़ने का हमारे पास ये वन एंड ओनली चांस है। सही बात है। नहीं नहीं बराबर, हमें कोई जोरदार जबरदस्त आइडिया सोचना पड़ेगा जिससे उसे शक ना हो और हमें पता चल जाए कि ये नंबर उसी का है, और एक बार कंफर्म हो जाए कि ये नंबर उसी का है तो हमें एक और जोरदार आइडिया सोचना पड़ेगा कि अभी उसको हम पकड़े कैसे। पर जो भी सोचना है जो भी करना है हमें बहुत जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। एक आइडिया है, उस डिलीवरी बॉय को टैटू का बहुत शौक है, इसी शौक का फायदा उठा के हम उसे पकड़ सकते हैं। लेकिन कैसे? डिलीवरी बॉय का टैटू किंग अंकल ने बनाया था बराबर, तो हम किंग अंकल को बोलेंगे डिलीवरी बॉय को कॉल करने के लिए और वो उसे कहेंगे कि जो उन्होंने टैटू उसकी गर्दन पे बनाया था वो टैटू एक टैटू कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज जीता है, पूरे 1,00,000 रुपए। और उससे क्या होगा? किंग अंकल उसे बोलेंगे उन्हें वो 1,00,000 रुपए का प्राइज मनी तभी मिलेगा जब वो टैटू के साथ सेल्फी क्लिक करके वहां भेजेंगे। लेकिन किंग अंकल को वो 1,00,000 रुपए का प्राइज मनी जितवाने यहाँ तक आएगा? नहीं सीधे सीधे बिल्कुल नहीं आएगा, वो पूछेगा कि इसमें तो आपका फायदा है इसमें मेरा क्या फायदा, इसीलिए उसे लालच देना पड़ेगा। लालच? क्या लालच? पैसों का लालच। पैसों का लालच? हाँ, किंग अंकल उसे कहेंगे कि मुझे 1,00,000 रुपए मिल रहे जिसमें से मैं तुझे 50% ऑफर करता हूँ। 50%? अरे 50,000 रुपए? हाँ तो फिर तो 50,000 के लालच में वो यहाँ जरूर आएगा टैटू के साथ सेल्फी खिंचवाने। आइडिया तो अच्छा है लेकिन ये टैटू वाला उस डिलीवरी वाले को फोन करने के लिए मानेगा? अरे कैसे बात कर रहे यार भाई, हम पुलिस की वर्दी में, हम कब काम आएंगे?
आपका ये डंडा और मेरी ये डंडी दिखा के उसको डराएंगे तो करेगा फोन। अरे बिंदास करेगा फोन, करवाएंगे उससे फोन। नहीं जेठालाल, ये गलत होगा है? क्योंकि हमारे बोलने पर वो एक क्रिमिनल को फोन करा है। मुझे लगता है कि हमें उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। सही बात है, फोन करने से पहले उसे जानने का पूरा हक है कि वो किसे फोन कर रहा है। हाँ बराबर है भाई, उसे डरा धमका कर अपनी बात उससे मनवाना सही नहीं होगा। करेक्ट। मान लो हमने उसको सब सच बता दिया, लेकिन उसके बाद अगर वो डर गया और फोन करने के लिए नहीं माना तो हम फोन नहीं करवाएंगे, कुछ और सोचेंगे। ओ हाँ यारो, ओ मेनू भी पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें ना प्यार से समझा के उससे फोन कराना चाहिए, ना कि डरा के और धमका के। हम उसे अंदर चल के सारा सच बता देते हैं, फिर देखते हैं वो फोन करता है या नहीं। चलो चलो अंदर। हाँ भाई, oh, wow, इतने सारे कस्टमर, थैंक यू पुलिसमैन, बट लेट मी टेल यू, दिस इज टू मच फॉर मी। द बेस्ट आई कैन डू इज 3 इन अ डे। सो नाउ टेल मी, हु इज गोइंग टू बी द फर्स्ट 3? नो वन। व्हाट? व्हाई? हम यहाँ टैटू बनवाने नहीं आए, आपसे हेल्प मांगने आए हैं। हेल्प? कैसा हेल्प? आपने जिसका टैटू बनाया ना, उस क्रिमिनल ने सोनू की मम्मी के साथ, मतलब हमारी माधवी आंटी के साथ स्कैम किया है। स्कैम? हाँ, धोखे से ओटीपी लिया और उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया। इसलिए मेरी आई बहुत परेशान है। तो इसमें मेरा क्या हेल्प मांगता मैन? उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए हमने एक प्लान बनाया है। What plan? आपको उस क्रिमिनल को फोन करके यहाँ बुलाना है। हाँ। What? मैं उसको यहाँ बुलाऊँ? नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हुई और वो भाग गया तो वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं मैन, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। नो। देखिए, हम आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस क्रिमिनल को पकड़ने में हमारी मदद कीजिए। प्लीज 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 प्लीज। लेकिन ये काम के लिए तो पुलिस है ना मैन? नहीं नहीं, आपके बात बराबर है, लेकिन क्या सब पुलिस वाले हैं वो बंदोबस्त में बिजी है? तो आप दोनों पुलिस नहीं है? नहीं। व्हाट? ये इंस्पेक्टर नहीं है और मैं भी हवलदार नहीं हूँ, आई एम ए साइंटिस्ट। व्हाट? फेक पुलिस? एक बार ये नकली पुलिस वाले हाथ लग जाए ना पाटिल, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन सर, जिसने माधवी भाभी के साथ ओटीपी स्कैम किया उसका क्या? तब एक ही गैंग के है पाटिल, एक पकड़ा जाएगा तो समझ लो पूरी गैंग पकड़ी जाएगी। हाँ सर, वो तो है, बस जल्दी से ये डिलीटेड सीसीटीवी फुटेज रिकवर हो जाए तो गैंग के बारे में पता चल जाएगा। पाटिल, बहुत जल्दी कानून के हाथ उस गुनहगार की गिरेबान तक पहुंचने वाला, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे पकड़ूंगा। हाँ, मैं उसको पकड़ूंगा। I will not leave him. I will catch him at any cost. छोड़ो, 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 छोड़ो मत, छोड़ो मत, छोड़ो मत, छोड़ो मत, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ देंगे किंग भाई साहब। लेकिन पहले तुझे कसम खाओ कि साड़ी छोड़ने के बाद तुझे पुलिस को फोन नहीं करोगे और साड़ी पूरी गल सुनोगे। नहीं 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 नहीं, मेरे को कुछ नहीं सुनना है, मुझे मेरा फोन दो, मैं पुलिस को फोन करेगा। ये लो तुम्हारा फोन। लेकिन पुलिस को फोन करने से पहले हमारी पूरी बात सुन लीजिए और हमारी सच्चाई सुनने के बाद अगर आपको लगे कि हम गलत हैं तो बेशक पुलिस को फोन कर लीजिए। ठीक है मैन, क्या बात है बोलो। मैं शुरुआत से सब कुछ बताता हूँ। वो स्कैमर एक डिलीवरी बॉय बन के आया और फिर
बस अब आप ही हो जिसके जरिए हम उस डिलीवरी बॉय को पकड़ सकते हैं। प्लीज उसे पकड़ने में हमारी हेल्प कीजिए। जो पैसे वो एक झटके में उड़ा ले गया, वो पैसे मेरी आई ने बहुत मेहनत से जमा किए थे। हाँ, और उसी पैसों को वापस लेने के लिए हमें उसे पकड़ना है। सर, उस कैमरा वाला डिलीटेड सीसीटीवी फुटेज रिकवर हो गया। दिखाओ। जी सर, ये देखिए। अरे कल दोपहर वाला दिखाओ। ओके सर। डिलीवरी, ब्लू टी शर्ट, हेलमेट। सर, माधवी भाभी ने भी यही बोला था कि उसने ब्लू कलर की टी शर्ट और येलो कलर का हेलमेट पहना था। जरा फिर से दिखाना। ओके सर। सर, पाटिल, इस डिलीवरी बॉय की एक बात की दाद तो देनी पड़ेगी। कौन से बात की सर? इसने ट्रैफिक रूल्स को बहुत अच्छी तरह फॉलो किया है। ये बाइक पर बैठकर बाइक नहीं चला रहा है, चलकर बाइक चला रहा है, फिर भी इसने हेलमेट पहना हुआ है। लेकिन इसे हेलमेट पहनकर स्कैम नहीं करना चाहिए था। अब इसे हम पहचानेंगे कैसे और इसे पकड़ेंगे कैसे? सर ये देखिए, ये जो दिखा रहा है मुझे तो नहीं दिख रहा है। जूम करो भाई। जी सर। सर, अरे ये तो टैटू है। कमाल है, इतना सब ढूंढा कुछ नहीं मिला, लेकिन ये टैटू मिला। सर इसे ही बोलते हैं खोदा सीसीटीवी फुटेज और निकला टैटू। सॉरी सर। अब इस टैटू के सहारे हम उस डिलीवरी बॉय को ढूंढेंगे कैसे? सर एक तरीका है। क्या? जरा ध्यान से देखिए सर, टैटू का डिजाइन बहुत खास लग रहा है। हाँ हाँ। इसका मतलब यह है कि जरूर ये कोई स्पेशल टैटू बनाने वाले ने बनाया होगा। तो अगर हम उस टैटू बनाने वाले को ढूंढ ले तो हो सकता है उस डिलीवरी बॉय तक हम पहुंच जाए। लेकिन सर इस टैटू के जरिए हम उस टैटू बनाने वाले तक कैसे पहुंचेंगे? इंटरनेट। इस टैटू की इमेज को इंटरनेट पर सर्च करिए, हमें कोई ना कोई लिंक मिल ही जाएगा। जल्द से जल्द इस टैटू की इमेज को इंटरनेट पर सर्च करो। जैसे ही हम उस टैटू बनाने वाले को पकड़ लेंगे, समझ लो जिसकी गर्दन पर यह टैटू बना है, गर्दन को पकड़ेंगे और घसीट कर यहां ले आएंगे। सोचा आपने? आप करेंगे ना हमारी मदद? हाँ मैं हेल्प करेगा मैन। भाई डर जाएंगे भाई, मुश्किल से राजी हुए। एक्चुअली मेरे मम्मी के साथ भी ऐसा ही स्कैम हुआ था मैन, कि हार्ड अर्न मनी चले गए थे। आज भी वो सोच के रोती है मैन। मैं वो टाइम पे कुछ नहीं कर पाया था, बट दिस टाइम आई विल डू इट मैन, आई विल हेल्प यू गाइस। बोलो ना, फोन करके क्या बोलना है मुझे, टेल मी। टापू बेटा, तूने जो प्लान बताया ना बाहर, वो अंकल को विस्तार से बता। तो आपको उन्हें फोन करके ये बोलना है कि समझ गए आप? ओके ओके। दर्शकों, जिस डिलीवरी बॉय ने माधवी भाभी को ठगा था उसका मोबाइल नंबर हमारे हाथ लग गया है, और हमारे शिकार को पकड़ने के लिए हमने एक लालच का जाल बुना है। हमारे प्लान के मुताबिक हम उसे एक फोन करवाएंगे, और जब वो डिलीवरी बॉय टैटू वाले की दुकान पर आएगा, हम उसे धर दबोचेंगे और माधवी भाभी के 80,000 रुपए वसूल कर लेंगे। सुन के कितना आसान लग रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसमें तीन प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, क्या ये मोबाइल नंबर सच में उस डिलीवरी बॉय का है? अगर नहीं,
तो हम उसे पकड़ेंगे कैसे? दूसरी प्रॉब्लम, क्या हमारे फोन करने पर वो आसानी से हमारे झांसे में आ जाएगा? तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारे फोन करने के बाद अगर उसे जरा सा भी शक हो गया तो वो अपना मोबाइल नंबर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगा और फिर हमारे हाथ कभी नहीं आएगा। जैसे रेत हाथ से निकलती है ना, ठीक वैसे ही वक्त भी हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ पांडे जी वो सीसीटीवी फुटेज रिकवर करवा रहे हैं। फुटेज रिकवर होते ही पांडे जी जेठालाल और अय्यर के पीछे पड़ जाएंगे। मुझे तो बहुत टेंशन हो, वो ठग हमसे एक कदम दूर है और जेठालाल और अय्यर पांडे जी से एक कदम दूर है। देखते हैं कि कौन पहले कदम आगे बढ़ाता है, हम उस ठग को पकड़ते हैं या फिर पहले पांडे जी हमें पकड़ लेते हैं। सवाल तो बहुत सारे, लेकिन जवाब में आपको ठाके ही ठाके मिलेंगे, तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।